अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और आतिशी का मुख्यमंत्री बनना ये रणनीति है, ये नासमझी है, या फिर केजरीवाल के इस्तीफे से बीजेपी इतनी टेंशन में क्यों है? आज हमने केजरीवाल के इस्तीफे का बीजेपी के एंगल से पूरा विश्लेषण किया है जो आपको देखना चाहिए। सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्या दिया? बीजेपी का पूरा प्लान चौपट हो गया। जो बीजेपी वाले दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर रहे थे वो अब जल्द चुनाव की डिमांड कर रहे हैं। आतिशी मुख्यमंत्री बन गई है, रिकमेंड करें चुनाव वाली जल्दी हो जाए। खुद कहती है कि दिल्ली में जल्दी चुनाव होने चाहिए तो रिकमेंड कर दें, चुनौती देता हूं, कर दें। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्या दिया? वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, दिल्ली की पूरी राजनीति बदल दी। बीजेपी के लिए रहस्य बन गया कि इस्तीफा देना केजरीवाल का कदम है या चाल। उनका ये जो इस्तीफा देने का एक कदम है या चाल है, इसमें भी कुछ रहस्य हो सकता है, इसे वो ही जान सकते हैं, मैं तो नहीं जानता। अब कदम कहिए या चाल, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स को पंचर कर दिया। शराब घोटाले के जरिए केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचाना, केजरीवाल पर सीएम पद से इस्तीफा देने का प्रेशर बनाना, केजरीवाल को सीएम की कुर्सी का लालची बताना, सीएम पद से इस्तीफा देकर केजरीवाल ने बीजेपी की पूरी प्लानिंग पर पलीता लगा दिया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे। कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली के जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। बीजेपी को लगा था कि जब अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं दिया तो जेल से बाहर आकर तो क्या ही देंगे, लेकिन केजरीवाल ने बीजेपी को हैरान भी कर दिया और परेशान भी, क्योंकि 2014 में भी बीजेपी को लगा था कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और तब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा ही दांव चला था। वर्ष 2014 में अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटों पर जीत मिली। और अब दूसरी बार केजरीवाल ने इस्तीफा दिया तो बीजेपी को टेंशन होना बनता है और बीजेपी नेताओं के रिएक्शन बता रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा, कहें तो कहें क्या। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करेक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करेक्टर, वो वहीं का वहीं है। हालांकि बीजेपी का झल्लाना कोई गलत नहीं है, चुनाव से 5 महीने पहले जब पूरी स्ट्रैटेजी जीरो हो जाए तो ऐसा होना नेचुरल। बीजेपी कह रही कि आतिशी को केजरीवाल ने मजबूरी के चलते मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि आतिशी को सीएम बनाना अरविंद केजरीवाल का दूसरा मास्टर स्ट्रोक है। क्या वाकई ऐसा है? आखिर केजरीवाल ने क्या सोचकर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया? इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का माइंड गेम डिकोड करने वाली यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। ये तो उसी दिन तय हो गया था जब जेल से केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए आतिशी का नाम रिकमेंड किया। अरविंद केजरीवाल जी ने जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय है और सारे विधायक उनके साथ हैं। आतिशी के नाम का प्रपोज किया गया, उसके बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और जो जिम्मेवारी उनको मिलेगी अब अच्छा है, तो जो रुके हुए काम वो हो जाएंगे। पूरे
विधायक दल के अंदर सबका एक मत था जो अरविंद जी का च्वाइस, पीएससी का जो च्वाइस है। मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी ही केजरीवाल की पहली और आखिरी पसंद थी और इसकी वजह भी थी और पॉलिटिक्स तो थी। आतिशी पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं, केजरीवाल और सिसोदिया दोनों के विश्वास पात्र हैं। अन्ना आंदोलन के समय से अरविंद केजरीवाल और संगठन के साथ जुड़ी, सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति को सुधारने में अहम भूमिका निभाई और महिला होने के नाते दिल्ली की जनता में एक अलग संदेश भी जाया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जब जेल में थे तो अगर किसी ने सरकार और संगठन की जिम्मेदारी बखूबी निभाई तो वो आतिशी थी। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की गैर मौजूदगी में वो आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। बीजेपी चाहे कुछ भी कहे लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का ये मास्टर स्ट्रोक था। आतिशी जी बहुत काबिल नेता हमारी पार्टी के और आने वाले समय के अंदर वह अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर भी एक शानदार नेता के तौर पर स्थापित भी करेंगे। आपके लिए आतिशी को सीएम बनाना अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक है नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब तक ये तो सही है कि केजरीवाल दिमाग चलाएंगे और आतिशी पेन। जो फैसला अरविंद केजरीवाल लेंगे वही फैसला आतिशी सुनाएंगे और ये बात तो खुद आतिशी भी जानती हैं और बीजेपी तो जानती ही है। दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहले दिल्ली के पास एक जेल वाला सीएम था जिसने 150 दिन जेल में रहकर सीएमशिप चलाई, सरकार चलाई, फिर बेल वाला सीएम बना और अब एक डमी सीएम बनने वाला। अब आतिशी चाहे दिल्ली की सीएम रहें या डमी सीएम, इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल फुल टाइम हरियाणा चुनाव पर फोकस करेंगे और ये बात भी बीजेपी जान रही है और मान रही है। इस्तीफा दे करके हरियाणा में जाएंगे, कहेंगे मैं तो हरियाणा का बेटा हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन इस भ्रष्टाचारी पर अब कोई हरियाणा इनको बेटा के रूप में भरोसा नहीं करेगा। अब जनता भरोसा करेगी या नहीं ये तो बाद की बात है। फिलहाल तो केजरीवाल ने जो दांव चलने थे वो दांव चल दिए। इसका फायदा होगा या नुकसान ये तो पहले हरियाणा और उसके बाद दिल्ली के चुनावी नतीजे बता देंगे। दिल्ली से शिवम प्रताप सिंह के साथ दिवेश भाटी, जी मीडिया। तो दिल्ली को अपनी नई मुख्यमंत्री मिल चुकी है और अरविंद केजरीवाल को हरियाणा चुनाव में फुल टाइम प्रचार का भरपूर वक्त मिल गया। यह सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि खुद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए भी चुनौती देने वाला हो सकता है। कैसे होगा इधर समझिए। अगर हरियाणा चुनाव में आपका प्रदर्शन खराब रहता है तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की छवि कमजोर पड़ने का खतरा है। दिल्ली चुनाव में भी 5 महीने का वक्त है, चुनाव में देरी से सहानुभूति का फैक्टर बेअसर हो सकता है। चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आतिशी हो लेकिन रिजल्ट देने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल पर ही आएगी और यही फैक्टर है जो आपके लिए भारी पड़ने की संभावना है और इसलिए